नमस्कार, दीमुख नायक में आप सभी का स्वागत है। मैं पूनम, और जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम खेतों के बीच में हैं। मेरे सामने ही सरसों के पौधे लगे हुए हैं और इस तरफ गेहूं और प्याज बोया गया है। तो इस वक्त है हम गुरुग्राम के ही फारूक नगर में, या एरिया जो है वो गुरुग्राम से लगभग 22 से 23 किलोमीटर दूर है। और इस बार हम बात करने हैं किसानों से। कुछ दिन पहले खबर आई कि इस बार ठंड के मौसम में जो टेम्परेचर है वो सामान्य से कम रहेगा नहीं। मतलब यानी कि पहले जो टेम्परेचर जितना एक आदर्श तापमान माना जाता था खेती के लिए, गेहूं की खेती के लिए या अन्य जो भी रबी की फसलें थी उनके लिए, वो आदर्श तापमान इस बार नहीं हो पाएगा। यानी कि बहुत ज़्यादा ठंड नहीं पड़ने वाली है जिससे खेत में बहुत नुकसान होने वाला। तो इसी सिलसिले में हम किसानों से बात करने आएंगे जिन्होंने अक्टूबर या नवम्बर के पहले हफ्ते में गेहूँ की बुआई की है। पिछले कुछ सालों से मौसम में काफी बदलाव हुए हैं जिसके दुष्परिणाम हमें देखने को मिल रहे हैं। इनमें से एक नुकसान खेती को भी हो रहा है। ठंड का आगमन सामान्यतः अक्टूबर महीने के आखिरी दिनों में हो जाता है, लेकिन इस साल अक्टूबर और नवंबर के महीने में भी दिन का तापमान 28 से 30 डिग्री तक रहा, जिसके कारण रबी की फसल की बुआई में काफी परेशानी हुई है। इसी को देखने के लिए दीमुख नायक की टीम ने कुछ किसानों से बातचीत की है। उनमें से एक है राजाराम। राजाराम गुड़गांव के ही पास फारूक नगर तहसील में रहने वाले एक दलित किसान है जो पिछले 40 साल से किसानी कर रहे हैं। उनके पास 1 एकड़ जमीन है और 10 एकड़ वह बटाई पर लेकर चलाते हैं, जिसमें उन्होंने सरसों और गेहूं बोया हुआ है। हाँ, अगर बरसात नहीं हुई तो आधा नुकसान सीधा जाएगा जी। वो ये है जी कि मान लो जो 40,000 की इनकम है तो वो 20 की रह जाएगी। तो हाँ, तो फिर 20 में हमने ठेका वाली जमीन वालों को भी देना है और अपना जो खर्चा है वो भी हिसाब लगाना है, उसका भी तो देखेंगे ना। हाँ, ये पौधे अभी कमजोर होगी फसल। हाँ, अभी से बहुत छोटे हैं। अभी देखो तो ये दिखा देते हैं जी, टेम्परेचर का हिसाब दे। ये देखो, ये नुकसान है, ये टेम्परेचर का कारण है, ये टेम्परेचर का कारण है। नहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। हरा ये पत्ती ऐसी नहीं होनी चाहिए जो, हाँ ये पीली पत्ती दिख रही ना, यो दिख रही है, यो हाँ ये नुकसान है, इसमें नुकसान होगा। ये पत्ती है, हम दिखा दे रहे भाई। हाँ, उनका कहना है कि ऐसी पत्तियां हो जा रही है जिसकी वजह से नुकसान होगा। हाँ, नवंबर के पहले हफ्ते में लगता है, एक महीने में क्या उतने पौधे बढ़ पाए जितना बढ़ना था? अभी तक कम बढ़ रहा है। हाँ, अगर सीत नहीं पड़ी, हाँ, मान लीजिए, हाँ, तो कैसी पैदावार होगी? हल्की होगी। राजाराम ने हमें बताया कि अगर मौसम की स्थिति ऐसी ही रही तो फसल में आधे का नुकसान हो जाएगा। वह कहते हैं कि नवंबर के पहले सप्ताह में गेहूं की बुआई की गई थी, चूंकि मौसम गर्म था इसलिए पौधे पीले पड़ गए। आने वाले दिनों की बात करते हुए वह बताते हैं कि अगर सीत नहीं पड़ी तो पैदावार भी अच्छी नहीं होगी। अच्छा, अगर बारिश हो जाती है मान लीजिए तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? उससे आधा फायदा होगा। बारिश होगी तो फायदा ज्यादा होगा, फायदा हो जाएगा। 1 एकड़ में नहीं तो 5-7 मन का तो फर्क पड़ जाएगा। पानी देके ठंड बनानी पड़ेगी, पानी ज्यादा देना पड़ेगा, पानी ज्यादा देना पड़ेगा। मौसम नहीं बनेगा तो ठंड का ही तो बनानी पड़ेगी, पानी देख देख के। राजाराम के पड़ोसी गजराज भी एक छोटे किसान हैं जिनके पास कुछ जमीन अपनी है और कुछ बटाई पर ली है जिसमें उन्होंने गेहूं बोया है। जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम में आते बदलाव और खेती पर पड़ने वाले असर पर बात करते हुए वह कहते हैं कि इस बार अगर मौसम ऐसा ही रहा तो पैदावार तो कम होगी, हमें चारे का भी नुकसान होगा। गजराज ठंड ज्यादा ना पड़ने की स्थिति में दूसरे विकल्पों के बारे में भी बात करते हैं। वह कहते हैं कि हमें दूसरे विकल्प के तौर पर पानी का इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि पैदावार जो है उसे बचाया जा सके। गेहूं के लिए नुकसान है। हाँ, ज्यादा पड़ेगी। आलू और जैसे आलू है, फूल वाली चीज जितनी है। हाँ, उनके लिए नुकसान है, ज्यादा ठंड अगर होगी। हाँ, कम ठंड होगी तो यही, जैसे अपना गेहूं है। हाँ, इसको नमी मिलेगी नहीं, इतना उगेगा नहीं। हाँ, नमी रहेगी तो उगेगा बराबर, जब नमी ही नहीं रुकेगा क्या, इसलिए कम ठंड है तो ठंड में नुकसान यही हमारा है। अभी किसानों ने बताया जो बुआई हुई है वो अक्टूबर के लास्ट और नवंबर के पहले हफ्ते में हुई है, क्योंकि चूंकि हमने सबने देखा है कि दिल्ली एनसीआर के आसपास का जो मौसम है वो अक्टूबर के महीने के लास्ट में और नवंबर तक में लगभग 25 से 30 डिग्री के बीच में था और धूप बहुत कड़ी थी,
बारिश भी नहीं हो पाई बहुत जगह से, इसकी वजह से जो टेम्परेचर था, जो टेम्परेचर चाहिए था पौधों को, वो मिल नहीं पाया। ये माना जाता आदर्श तापमान जो है वो 20 से 25 डिग्री का है गेहूं की बुआई के लिए, लेकिन उस वक्त वो टेम्परेचर नहीं था जिसका असर पौधों पे देखने के लिए मिला। तो ये हमारे सामने ये पौधे हम इस वक्त खेत पे खड़े हैं, जो पौधे इनकी जो हाइट है वो एज पर द टेम्परेचर वो बढ़ नहीं पाई है, जो होनी चाहिए थी वो इस वक्त नहीं हो पाई है, जिससे कि होगा ये कि जो पौधे वो कमजोर भी होंगे और इनमें जो दाना आने वाला वो दाना भी बहुत मोटा नहीं होगा, बहुत पतले पतले बारीक दाने आने वाले हैं। आदम आद नुकसान है जी। जो अगर हमारे 50 मण का किला जड़ता है तो ज्यादा से ज्यादा 30 मण का किला जड़ेगा। सुशीला एक महिला किसान है जो अपने पति के साथ हाथ बटाती है। फिलहाल वह खेत से प्याज निकाल रही है। वह हमें बताती है कि वह खेतों में पानी देने से लेकर कटाई तक हर काम कर लेती है। सुशीला ने अपने खेतों में सरसों और प्याज बोया हुआ है। मौसम का फसलों पर क्या असर पड़ रहा है, इस बारे में वह बात करते हुए सरसों के पौधों को दिखाती है और कहती है कि अब तक इन्हें लहलहाना चाहिए था, लेकिन इनमें ज़्यादा फर्क नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि मौसम उतना ठंडा नहीं है जितना होना चाहिए था। हाँ, सरसों पे असर है, इसमें थोड़ी ठंड होती तो अच्छे से हो जाती, शुरुआत में ठंड की जरूरत होती है फसल को, अभी नहीं हुई है, कम है ठंड। ये सरसों बिल्कुल सीधी खड़ी है, उससे अगर थोड़ी सी ठंड होती तो इसमें पत्राव अच्छे से पत्ते आ जाते जी। अभी तक नहीं आ पाया, कम है। किसान सिर्फ मौसम की मार ही नहीं झेल रहे हैं बल्कि उन्हें खाद भी समय पर नहीं मिल पाती है, जिसके कारण पैदावार में परेशानी आ रही है। खाद मिल रही है? नहीं, खाद की बड़ी समस्या है जी। पीने लोग दारू मिल जाएगी पर खाद नहीं मिलेगा, कमा कर खाएंगे नहीं। जगह, हाँ हाँ, जैसे शराब का ठेका जगह जगह मिल जाएगा, कितने तो मिले ले, जो कि या एक साइड होनी चाहिए, इतनी ना प्रभाव होना चाहिए, लेकिन या ज्यादा। और खाद जमींदार बहुत परेशान से मिलके ना दे, और मैं आओगे एक ट्रक तो वो ब्लेकते ज्यादा रेट। यहाँ जब हम आए तो हमें तापमान के अलावा दूसरी सबसे बड़ी समस्या जो सुनने को मिली वो थी खाद की। किसानों का कहना है कि हमें खाद नहीं समय पे मिल पाती है, तो एक परेशानी तो उन्हें मौसम की झेलनी पड़ ही रही है, यानी कि तापमान जो है जितना आदर्श तापमान खेत के लिए चाहिए ना, रबी की फसलों के लिए चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा। और दूसरी परेशानी सबसे ज्यादा अगर जो हो रही है वो है खाद की, उन्हें खाद नहीं मिल पा रही और ब्लैक में कई बार खाद लेनी पड़ी। तो एक नुकसान जो तो वो खेतों में जो हो ही रहा है, दूसरा उन्हें ब्लैक में खाद भी लेनी पड़ रही है। मौसम विभाग के अनुसार इस साल ठंड के मौसम में तापमान सामान्य से नीचे नहीं जाएगा, जिसका सीधा असर फसलों पर पड़ने वाला है। इस बारे में हमने वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक मनोज कुमार अहिरवाल से फोन पर बात की है। उन्होंने बताया कि पिछले 6 सालों में मौसम में काफी बदलाव आया है। रबी की फसल उस पे असर क्या पड़ेगा अगर टेम्परेचर डाउन नहीं होता है? टेम्परेचर अगर डाउन नहीं होता तो रबी की जितने भी फसलें हैं, मोस्टली गेहूं है, तो गेहूं में जो ग्रोथ आती है अभी इस समय पे, क्योंकि अभी इसका चल रहा है ग्रोथ पीरियड, ठीक है, तो ग्रोथ कम होगी, बाली अच्छे से नहीं बनेगी और सीड भी अच्छे से नहीं उसमें सेट होगा। आदर्श तापमान क्या माना जाए इसके लिए? देखो, जैसे अभी जो आज हम लोगों ने कल एक विज्ञप्ति दी थी कि अगर साल 2016 में 8 दिसंबर की रात की बात करें तो टेम्परेचर था 7.2 डिग्री, ठीक है, और अभी जो है 8 दिसंबर को मतलब 2022 की अगर बात करें तो 12 डिग्री के नीचे आया है। अगर 4-5 साल का होने भी अगर अपन देख रहे हैं तो 7.2 डिग्री था आज की डेट में, ठीक है, और अभी जो चल रहा है वो 10-12 डिग्री मतलब ऐसे चल रहा है, मतलब उतना टेम्परेचर नहीं है जितना पहले सालों की अपेक्षा। क्या होता है कि अगर ठंडी कम पड़ती है तो जो रबी की जो फसलें हैं वो सही तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाती है, ठीक है, और से संबंधित जो बीमारियां होती हैं या रसूसक कीड़े जो होते हैं इनका अटैक बढ़ जाता है। सर, मार्केट वैल्यू में कितना डिफरेंस आता है फिर? मार्केट वैल्यू में देखो अभी तो प्रोडक्शन लॉस होगा और मार्केट वैल्यू में फिर गुड क्वालिटी सीड नहीं बनेगा, ठीक है, तो अपन 15-20% मार्केट वैल्यू में अंतर आ जाता है। साथ साथ में क्या होता है कि इंसेक्ट पेस्ट अटैक का भी अटैक हो जाते हैं, मतलब जैसे रोग है, अच्छा, पौधों को रोग लग जाता है, रोग है कीड़ों के लिए, फिर फेवरेबल कंडीशन बनने लगती है, तो ग्रोथ को सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है
तो ये थे हरियाणा के कुछ किसान जिन्होंने कई परेशानी गिनाई, जिनमें से मौसम था, दूसरा खाद को लेकर था, और क्या घाटा हो रहा, एक बड़ी समस्या जो एक और समझ में है कि हमने दो तरह के किसानों से बात की, एक वो जिनके पास अपनी जमीन थी, एक वो जिनके पास थोड़ी अपनी जमीन है, थोड़ी वो बटाई पे ले रहे, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट पे लोगों से ले रहे हैं। तो ऐसे में उनको कॉन्ट्रैक्ट वालों के साथ ये भी समस्या आ रही है कि उन्हें पानी की जो समस्या वो ज्यादा हो रही है, यानी कि पहले जो उनके पास खुद के बोरवेल नहीं हो पा रहे तो वो पानी भी खरीदते हैं, तो मुनाफा जो होना होता है उसमें एक ये भी इनका नुकसान होता है कि उन्हें पानी भी खरीद के लेना पड़ता है, और अगर तापमान उतना ठंडा नहीं हो पाता है तो किसानों का कहना है कि उन्हें पानी देकर, यानी कि ज्यादा पानी देकर इस टेम्परेचर को ठंडा रखना पड़ेगा। तो गुड़गांव से ऋत्विक के साथ मैं पूनम मसी, दिमुक नायक के लिए।